फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके करियर को बहुत अच्छा सिंगापुर में ग्रोथ दे सकता है। अब वो टॉपिक कौन सा है तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो टॉपिक का नाम है टेक वीजा इन सिंगापुर। जी हाँ, आपने सही सुना नाम। अब सिंगापुर ने एक वीजा नया लॉन्च कर दिया है, एक फॉरेनर टैलेंट्स के लिए लॉन्च करा है। पहले तो सिंगापुर में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क पास, एस पास जो भी ऑलरेडी वीजा थे वर्कर्स के लिए, एक नया वीजा और आया है जिसे बोलते हैं टेक वीजा। शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं डाली होगी, आप चेक कर लेना। टेक वीजा इन सिंगापुर अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी। ये वीजा लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू से। एवरी ईयर 500 एप्लीकेंट्स ग्लोबल टैलेंट के थ्रू, मीन्स जिसे जो ग्लोबल पूरे ग्लोब से आएंगे, 500 एवरी एनुअल एप्लीकेंट सिंगापुर में काम करने के लिए, जिसकी मिनिमम सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पूरी वीडियो को देखना, बताऊंगा। तो वीज़ा का जो नेम है, जो कैटेगरी है, वो टेक वीज़ा इन सिंगापुर। अब जो क्या है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, कैसी एलिजिबिलिटीज है, क्या आप की पर वर्क प्रोफाइल होगी, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, पूरा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ, टेक वीजा जो इशू हुआ है वो जनवरी 2021 में इशू ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पेंडेमिक के समय में ये वीजा ज्यादा इशू मिस क्योंकि एयरलाइंस वगैरह इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री रुकी हुई थी, तो ये वीजा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो शायद हो जाए 2022। तो आप एक बार डालना, गूगल पे भी सर्च करना टेक वीजा इन सिंगापुर का क्या मतलब है, क्या है। तो लेकिन मैं आज वीडियो को बताता हूँ कि टेक वीजा क्या है। देखो, टेक वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें आपके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए कंपनी को रन करने के लिए। तो एक आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, मीन सिंगापुर एक ऐसा टेक्नो हब बनने वाला है। तो ऐसे ग्लोबल टैलेंट्स को बुला रहा है जो सिंगापुर की लोकल कंपनी को, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, बिग टेक कंपनी, जो यहाँ से बिजनेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल सके। सो एक सिंगापुर अलाउ कर रहा है ग्लोबल टैलेंट्स को एक टेक्नोलॉजी से बिजनेस, सिंगापुर को एक टेक्नोलॉजी बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं। अब वो टेक्नोलॉजीज क्या है, कोई सी भी टेक्निक हो सकती है, कोई सी भी टेक्नोलॉजी। आप अगर आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी में हैं, ये वीज़ा बहुत ही सिंगापुर आपके लिए, ये एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क पास, एस पास, इसमें शायद कोटा बहुत क्राइटेरिया है, लेकिन जो इसमें है बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको सिंगापुर सिटीजन तक मिल सकती है। लेकिन अब एलिजिबिलिटीज क्या है, तो क्योंकि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी हर किसी इंडस्ट्री में, हर किसी डोमेन में फैलती जा रही है। तो जिसने सिंगापुर ने अब क्या है, जो ह्यूमन फिजिकल एफर्ट्स को हटा के जो फिजिकल एफर्ट्स टेक्नोलॉजी में बदल जाएंगे, इस तरह के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सिंगापुर ने ग्लोबल टैलेंट्स को बुलाया है। तो एलिजिबिलिटीज क्या है, देखो, क्या सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलप बोर्ड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया है। उसने ऐसा कि एक सॉल्यूशन, नया पास निकाला है, उसे बोलते हैं टेक पास। अब ये जो है सब जो भी विदेश में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में टेक्नोप्रेन्योर पर जो काम करते हैं उसी को बुलाया जाएगा। उसके फायदे क्या है कि एक तो मिनिमम सैलरी अगर विदेश में वो 20,000 US डॉलर पर मंथ उसकी मिनिमम क्राइटेरिया, यानी आप बड़ी कंपनी में काम करो। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया से हम बात करते हैं, अगर आप TCS, HCL, HP या एप्पल, फेसबुक, गूगल, इसमें आप काम करो, अच्छी पोस्ट पर आपकी सैलरी 20,000 है और आप कंपनी की जो वर्थ है, मीन्स आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें कंपनी का मेन रोल आप निभा रहे हो, यानी कंपनी का 500 मिलियन डॉलर्स का आप टर्नओवर वगैरह की, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू जो है 500 मिलियन, जो एक ईयर, 1 ईयर में बनता है। अगर आप उसको देखते हो, मैं बता देता हूँ व्हाट इज अ टेक पास, इसमें लिखा हुआ है टेक पास इज अ न्यू टाइप ऑफ वीजा क्रिएटेड बाय द EDB दैट हैड बीन डिजाइन टू टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इन द माइंड। दिस वर्क वीजा अलाउ होल्डर टू एम्प्लॉयड बाय मोर देन वन कंपनी एंड एम्प्लॉयड, मीन्स ये बहुत ही स्पेशल वीजा है। आप इसमें फैमिली को भी बुला सकते हैं और 500, हर साल 500 इश्यू होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिया जाएगा वीजा। तो अब हु कैन गेट द टेक पास, मीन्स कौन हम टेक पास ले सकता है। तो टेक पास आज यूजली गिविंग फॉर फॉरिनर्स, बहुत अच्छी बात है। मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक दूंगा, इस वीडियो का लिंक दूंगा, आर्टिकल्स आप पूरा पढ़ना कि टेक वीजा क्या है। तो EBD क्या है, मीन्स इकोनॉमिक जो है, आप दिस सेमे इज ओपन फॉर टेक एक्सपर्ट हु हैव अर्न एटलीस्ट 20,000 पर मंथ USD लास्ट ईयर, मैंने आपका सैलरी क्राइटेरिया जो बताते हैं, एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी सैलरी क्राइटेरिया जो आप पास्ट का एक्सपीरियंस है, प्लस दे मस्ट ऑल्सो हैव द 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ईदर लीडिंग टेक रोल इन 500 मिलियन
डॉलर्स यूएस कंपनी, यानी कोई की कंपनी है जिसमें 500 मिलियन US डॉलर्स का जो वर्थ है उसमें आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और एज अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर काम कर रहे हो फॉर अ टेक प्रोडक्ट और सर्विस विद, आपको अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो या आपकी सर्विस इंडस्ट्री में उसमें काम है, तो आपका 100 मिलियन US डॉलर आपको दिखाना। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो किसी टेक कंपनी को, आप तो 100 मिलियन डॉलर्स आप रेवेन्यू जनरेट करते हो कंपनी के लिए, तो भी आपका टेक वीज़ा आपका मिल सकता है। ठीक है, तो यही था आपको बताना। अब टेक वीज़ा की एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 बिफोर होनी चाहिए, और आप अगर सर्विस इंडस्ट्री या टेक प्रोडक्ट्स में काम करते हो, आपकी कंपनी का जो वर्थ है 500 मिलियन US डॉलर होना चाहिए। और अगर आप सेल्स वगैरह में काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी की कंपनी में, टेक की कंपनी में, तो आप 100 मिलियन ओवर का आप सेल्स दिखा रहे हो, 100 मिलियन डॉलर्स, तो आपका टेक वीज़ा लगेगा। तो यही था बहुत आज टेक वीज़ा के बारे में, शायद नहीं बताया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, शायद जो इंडिया में बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट। तो सिंगापुर का कुल मिला के कंक्लूजन एक मतलब है, सिंगापुर एक ऐसा हब बनने जा रहा है, बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स को बुला के सिंगापुर के लोकल से एक ऐसी कंपनी खुल के एक पूरे देश में विदेशों में फैलनी चाह रही है। तो सिंगापुर का एक ये फ्यूचर स्टेप है। सो सिंगापुर बहुत ज़्यादा क्योर करता है फॉरेनर वर्कर्स की, तो एक नया वीज़ा आपके लिए लाया है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करते हो, नए नए वीज़ास के बारे में बताता रहता है, और इन फ्यूचर आपको अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेंगी, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ और भी लाऊंगा, लेकिन टेक वीज़ा के ऊपर बहुत ही स्पेशल वीडियो है। सो जितना हो सके शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।